देखिए मूंग दाल का दही बड़ा कितना सॉफ्ट बना, आप देख सकते हैं नज़दीक से। बस इसको ऐसे चम्मच ऐसे लगाएंगे और इसको देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है ये, देख सकते हैं इसमें। देखिए इसका ये पार्ट देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। इसको बस चम्मच ऐसे लगाइएगा, ये कट जाएगा बहुत ही आराम से और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनता है। और दूसरी चीज़, जिनको गैस का ट्रबल है उनको वो मूंग दाल का दही बड़ा आराम से बना के खा सकते हैं, क्योंकि इससे गैस बिल्कुल नहीं होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ मूंग दाल का दही बड़ा बनाने के लिए। ये देखिए मूंग दाल है, ये 1 कप मूंग दाल है, सूखा मूंग दाल, देखिए देख सकते हैं आप धुला हुआ है ये। ये मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ, देखिए 1 कप फूल करके देखिए इतना हो गया है। इसको मैं पूरे रात पानी में डाल करके, पानी जैसे डूबने भर जितना मैं ये दाल डूब जाए उतना पानी डाल करके मैं रात भर रखती हूँ। अब मैं इसको 3-4 पानी से धो करके साफ कर ली हूँ। और इसके साथ में देखिए 1 इंच आधी का टुकड़ा है जिसको मैं ग्रेट कर ली हूँ और 3 हरी मिर्च। अब इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। देखिए पानी में इतना ही डालूँगी जिसमें बस ये मिक्सी चले, बस इसमें धीरे धीरे करके पानी डालना है। देखिए मेरा पेस्ट तैयार हो गया, उसको बस इतना ही तैयार करना था। देखिए मैं जो आपके सामने जो पानी डाली थी 2 से 3 चम्मच होगा, उसके बाद मैं पानी का इस्तेमाल नहीं की हूँ क्योंकि ये रात भर फूलने के बाद इसमें पानी ज़्यादा नहीं पड़ता है। ऐसे टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे जितना पसंद करते हैं, इसको मिक्स कर लेना है। देखिए 1/4 चम्मच ये बेकिंग पाउडर है, इसको बनाते समय ही डालना है और डाल करके इसको अच्छे से फेंट लेना है। देखिए फूलने लगा, देखिए। और ये जो रोटेशन है वन साइड ही होना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं जैसे वन साइड, जैसे मैं इस तरह से करी तो बस दूसरे साइड इसको फोल्ड नहीं करूँगी। इससे क्या होगा, इसमें जो ये लेयर हो रहा है इससे इसमें हवा चल जाएगा और ये फूलेगा। देखिए ये देखिए कितना फूल गया, देखिए आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बैटर डाल के मैं देख ली, मेरा तेल गर्म हो गया है। अब देखिए इसको चम्मच की सहायता से ऐसे इतने बड़े साइज का इसको डालते जाएं और थोड़ा हटा हटा करके। इस तरह के पैन में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनेगा ये। देखिए मैं इसको 5 मिनट फेंटी हूँ, इसलिए देखिए ये तैरने लगा है तुरंत। देखिए इसको छोटा चम्मच लेकर के इसको इस तरह से पलट ले, ऐसे छोटा चम्मच लेने से बहुत आसानी होगी पलटने में आपको। और चारों तरफ से पलट के इसको गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया, इसको चारों तरफ से पलट पलट के मैं सेक ली हूँ, देखो तल ली हूँ अच्छे से। देखिए अब इतना छोटा है, पानी में जाने के बाद देखिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये। देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया, अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और इस तरह से इसको छान करके इस पर रखने से इसमें क्या होगा, इसका सारा तेल निकल जाएगा। देखिए ऐसे करने से तेल इसमें निकल जाता है। अब देखिए नॉर्मल पानी है, ये ठंडा पानी बिल्कुल नहीं है। और देखिए इसमें ये बड़ा गर्म है, अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए। इसको 5 मिनट तक इसमें पानी में रहने देंगे, इसको ढक देंगे। अभी ये देखिए दही है मेरे घर का जमा हुआ और ये पीसी हुई चीनी है, इसको मिक्स करके अच्छे से इसको मिला लेना है। दही को पूरा तोड़ लेना है पर मिक्सी में नहीं चलाना है। देखिए मेरा दही देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं ये देखिए दही बड़ा है, देखिए मेरा कितना बड़ा बड़ा साइज़ का हो गया। इसको ऐसे निकालेंगे, हल्का सा ऐसे स्क्यूज करेंगे, देखिए पानी इसका निकल जाएगा, काफ़ी फूल गया ये। इसको ऐसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो देखिए इसमें कितना पानी चला गया। देखिए दूसरा भी मैं इसमें रख दे रही हूँ। अब देखिए ये पानी में डाला हुआ दही बड़ा है, इसको आप फ्रिज में रख करके करीब 3 से 4 दिन तक बिल्कुल अच्छे से तैयार रहेगा और खाने के लिए तैयार ही है और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तीसरे से पानी में डालकर इसे पानी हल्का निकाल देना है, थोड़ा पानी रहना चाहिए
और इसको फ्रिज में रख करके आप 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं। इसमें देखिए इस तरह से दही को चारों तरफ से फैला देना है। दूसरा भी इसी तरह से मैं तैयार कर ले रही हूँ। देखिए ये इमली का चटनी है, इमली और गुड़ डालकर तैयार करते हैं। इसका रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ। ये दही बड़ा चाट सब में यूज किया जाता है। अब मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। चटनी डालने के बाद जब खाना हो तभी चटनी को डालें, क्योंकि चटनी डालने के बाद दही फट जाता है। तो उतना ही तैयार करें जितना आपको इस्तेमाल करना हो। ये धनिया जीरा और लाल मिर्च का पाउडर है, इसको मैं सूखा भून करके और पीस ली हूँ। ये काला नमक डालूँ मैं हाथ से डालूँ, क्योंकि इससे ऐसे करने पर इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, पर मुझे हाथ से इसका ज़्यादा अच्छा लगता है तरीका इसका। ये कश्मीरी मिर्च है, हल्का सा मैं कश्मीरी मिर्च चारों तरफ डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आएगा। लाल मिर्च मैं पहले डाल चुकी हूँ, जीरा के साथ भुनी हूँ। ये धनिया की पत्ती है, हल्का सा मैं डाल दूँगी। देखिए मेरा मूंग दाल का दही बड़ा बनकर तैयार है, और बहुत ही टेस्टी लगता है और एकदम स्पॉन्जी लगता है। तो एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा।